देश पॉजिटिव आत्मविश्वास और उम्मीदों से भरा दिन है। कुछ नए अनुभव हो सकते हैं। बड़ा सपना देखें और अपने मन पर भरोसा रखें। बातचीत और किसी को कोई बात समझाने के मामले में लोगों पर आपका प्रभाव पड़ेगा। रोमांस के मामले में दिन अच्छा है। अविवाहित लोगों को शादी के लिए प्रपोजल मिल सकते हैं। कामकाज के बजाय काम के तरीके पर ध्यान देना जरूरी है। कोई बड़ा फायदा होने के इशारे आज मिल सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत होगी। बड़े और जरूरी कामकाज की प्लानिंग बनेगी। नेगेटिव हो सकता है, आज आपको कुछ चीजों की नए सिरे से शुरुआत करनी पड़े। फालतू कामों में समय खराब होने की भी संभावना बन रही है। सोचे हुए कामों में से बहुत से काम अधूरे रह सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें। गोचर कुंडली का चंद्रमा अचानक होने वाला खर्चा बढ़ा सकता है। नौकरी और बिजनेस के कुछ मामलों को लेकर टेंशन भी हो सकती है। परिवार के भी कुछ महत्वपूर्ण कामकाज में भाग दौड़ हो सकती है। क्या करें, गाय को पानी पिलाएं? लव जीवन साथी की मदद से आपकी तरक्की हो सकती है। प्रेम में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। करियर कारोबार संबंधी नए फैसले ना लें। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा संभल कर रहे। दुश्मनों से सावधान रहे। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। हेल्थ पेट दर्द होने के योग बन रहे हैं। भोजन सावधानी से करें। वृष्टांजेटिव यात्रा हो सकती है। चंद्रमा गोचर कुंडली के लाभ भाव में रहेगा। आपके दिमाग में कोई जबरदस्त योजना आ सकती है। उस पर काम करने के लिए आप जल्दबाजी करेंगे। योजना के अनुसार काम भी हो जाएंगे। जो भी काम करते हैं उनको लेकर थोड़े जिम्मेदार होना होगा। कुल मिलाकर आपको अपना काम व्यवस्थित करना चाहिए। परिवार के साथ समय बीतेगा। घर के या घर से जुड़े कामों में परिवार की मदद करनी होगी। कोई मेहमान भी घर आ सकता है। घर बदलने या घर में कोई सुधार करने का कार्यक्रम है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। पुराने दोस्त ही आपका उत्साह बढ़ेगा। नेगेटिव, कोई काम अधूरा भी हो सकता है। खर्चों पर कंट्रोल करें। माता पिता पर फालतू गुस्सा ना करें। जोश में आकर बिना मांगी सलाह किसी को ना दें। दुश्मनों से सावधान रहने की कोशिश करें। थोड़ी सी लापरवाही भी आपको परेशान कर सकती है। क्या करें और क्या नहीं, पिता या अधिकारियों की बात मान लें। भस ना करें, लव पार्टनर बिना कहे आपके दिल की बात समझ लेगा। प्यार बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। करियर बिजनेस में अच्छी ग्राहकी होगी। ऑफिस का माहौल आपके फेवर में रहेगा। स्टूडेंट्स मेहनत करेंगे लेकिन थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। हेल्थ एसिडिटी और पेट दर्द रहेगा। कम भोजन करें। सेहत का ध्यान रखें। मिथुन, पॉजिटिव, जेब में ज्यादा पैसे ना होने पर भी आपके काम होते जाएंगे। कोई काम रुकेगा नहीं। रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। मेहनत से पैसों का फायदा मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन या वेतन बढ़ाने की कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और आप सफल भी हो जाएंगे। चंद्रमा गोचर कुंडली के कर्म भाव में है। आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। किसी महत्वपूर्ण मामले को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है। मकान या दुकान पर धन लाभ होगा। हर काम को दिल खोल कर करें और नए अंदाज से करें तो सफलता मिलेगी। कोई भी काम शांति से करें तो आपके लिए अच्छा है। ऑफिस में साथियों से सहयोग मिलेगा। आपकी प्लानिंग सक्सेस भी हो जाएगी। लेन देन संबंधी काम भी पूरे हो सकते हैं। नेगेटिव, जल्दबाजी करने से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा ना करें। ऑफिस में किसी के प्रति आपके मन में जलन की भावना हो सकती है। क्या करें, खरीदारी और पैसों के लेन देन में दाहिने हाथ का ही उपयोग करें। लव परिवार में आपका वर्चस्व बढ़ सकता है। आपके व्यवहार से पार्टनर का मिजाज बदल सकता है। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव आने के पूरे योग बन रहे हैं। करियर बिजनेस में कोई फायदेमंद सौदा हो सकता है। नौकरी में पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं। कम मेहनत में भी अच्छे नतीजे मिलेंगे। सफलता भी मिलेगी। हेल्थ सेहत अच्छी रहेगी। मानसिक शांति मिलेगी। परेशानी कुछ कम भी हो जाएगी। कर्क पॉजिटिव, चंद्रमा के कारण आपकी दिनचर्या में अच्छा खासा बदलाव हो सकता है।
गोचर कुंडली के किस्मत के घर में चंद्रमा होने से काम पूरे हो जाएंगे, प्रसन्न रहेंगे और खुद को भाग्यशाली भी महसूस करेंगे। करियर में कुछ नए मौके जल्दी ही मिलने वाले हैं। नौकरी बदलते हैं तो यह आपके लिए ही फायदेमंद होगा। बिजनेस करते हैं तो आपको कोई अच्छा सौदा या पार्टनर मिल सकता है। छोटे लेवल का नया काम शुरू करने के लिए समय अच्छा है। खर्चों में कटौती करने के काफी मौके मिलेंगे और आपको उनका प्रयोग भी करना चाहिए। प्रेमी को रिझाने के लिए काफी कोशिश कर सकते हैं। भावनात्मक और पर महसूस होती कमजोरी खत्म हो सकती है। नेगेटिव जो काम आज हो सकता है उसे कल पर ना टालें। खर्चे पर कंट्रोल करें। सावधानी ना रखी तो ज्यादा पैसा खर्चा हो सकता है। घर और ऑफिस दोनों जगह बेचैनी होगी। कोई बात आपको परेशान भी कर सकती है। कुछ काम दूसरों के भरोसे छोड़ देंगे, इससे आपको ही नुकसान हो सकता है। क्या करें, पेट पर थोड़ा सा चंदन लगाएं। लव प्रेम में सफलता मिलने के योग है। प्यार के इजहार के लिए अच्छा दिन रहेगा। करियर कारोबार फायदेमंद रहेगा। नए सौदे फायदा देंगे लेकिन खर्चा बढ़ सकता है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ नींद की कमी और थकान भी महसूस होगी। सिंह पॉजिटिव जीवन में संतुलन रखने की कोशिश करेंगे। नए और खास लोगों से बातचीत हो सकती है। अपने कामकाज के दायरे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे लोगों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपका जान बढ़ाएंगे। किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में खुद को साबित करने में लगे रहेंगे। बड़ी योजना के लिए कोशिश करने का अच्छा मौका है। कहीं से कर्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी मंजूरी मिल सकती है। जो चल रहा है आज आप उसे होने देने के सेहत में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपके प्लान पूरे होते होते रुक भी सकते हैं। ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप कोई फैसला ना ले पाए। डर और असुरक्षा के भाव आपके मन में आते रहेंगे। कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है। खर्चे कुछ ज्यादा बढ़ सकते हैं। कुछ नया करने से बचें। विवादों से बचकर चलें वरना नुकसान हो सकता है। दिन भर संभल कर चलना होगा। नौकरी और बिजनेस में उलझे हुए मामलों में पड़ने से बचें। क्या करें, मूंगफली खाएं या दान दें। लव पार्टनर के लिए परेशानियों वाला दिन हो सकता है। कोई इच्छा भी अधूरी हो सकती है। करियर बिजनेस बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं। बड़े और इज्जतदार लोगों से कांटेक्ट होगा। स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको सफलता भी मिल जाएगी। हेल्थ सेहत के मामले में सावधान रहें। बदन या सिर दर्द हो सकता है। कन्या पॉजिटिव चंद्रमा गोचर कुंडली के सातवें भाव में है। आज आप अपना काम ध्यान से करेंगे और उसमें सफल भी हो जाएंगे। ऐसे लोग सामने आ सकते हैं जो काम की तलाश में हैं। रोजमर्रा के कामकाज पर चंद्रमा का असर रहेगा। लोग आपकी तारीफ करेंगे। धैर्य और एकाग्रता रखेंगे तो कई काम निपटाने में सफल हो सकते हैं। दूसरों की मदद करने और दूसरों की खातिर कोई त्याग करने का मौका ना चूके। दिन फायदे वाला रहेगा। छोटी छोटी बातों से भी सीखने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं। अधिकारियों का रवैया आपके लिए सख्त हो सकता है। जहां तक हो सके किसी के साथ विवाद में ना पड़े। कुछ लोग आपके विचारों या कामकाज पर उंगली उठा सकते हैं। आपको कहीं किसी बात पर शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है। रोजमर्रा के कामों में रुकावटें भी आ सकती हैं। काम बनते बनते अचानक रुक भी सकते हैं। चोरी का डर रहेगा। ध्यान रखें। क्या करें, हनुमान मंदिर के शिखर दर्शन करें और पुजारी के पैर छुएं। लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। पार्टनर भावुक भी हो सकता है। करियर बिजनेस के फैसले सोच समझ कर लें। कार्यस्थल पर विवाद होने के भी योग बन रहे हैं। वाणी पर संयम रखें। स्टूडेंट्स के लिए भी दिन अच्छा है। आज आप जो भी सीखेंगे आपके ही काम आएगा। हेल्थ सेहत संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं है लेकिन दिन भर दौड़ भाग से थकान भी हो सकती है। तुला पॉजिटिव कामकाज में बिजी रहेंगे। किसी एक काम या प्रोजेक्ट पर जरूरत से ज्यादा जोर देंगे तो ही आपके काम होंगे। नए टारगेट बनाएं और कोशिशें शुरू कर दें।
कोई बुजुर्ग या अधिकारी आपसे मदद मांग सकता है। किसी काम की पहल करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे तो आने वाले दिनों में इसका फायदा मिल सकता है। आपका व्यवहार और स्वभाव कई लोगों को आपकी ओर आकर्षित कर सकता है। कुछ पुराने दोस्त भी आपसे मिल सकते हैं। पुरानी अच्छी बातें और यादें ताजा हो सकती हैं। नए दोस्त भी बनेंगे। कामकाज के सिलसिले में यात्रा के योग बन रहे हैं। नेगेटिव दिन की शुरुआत थोड़ी सुस्ती से हो सकती है। कामकाज के लिहाज से व्यस्तता हो सकती है। आपको आसान कामों का फल थोड़ी मेहनत करके मिलेगा। हड़बड़ी में कोई कदम न उठाएं। किसी रिश्ते के मामले में आप काफी समय से कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पूरे मामले पर नए सिरे से विचार करें। कामों में रुकावटें आ सकती हैं। गोचर कुंडली में छठा चंद्रमा होने से विवादों का सामना भी करना पड़ेगा। दुश्मनों से परेशानी रहेगी। किसी बात को लेकर खुद पर घमंड ना करें। खुद को बढ़ा चढ़ाकर जताना भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। हर काम सावधानी से करें, वरना परेशानी में भी फंस सकते हैं। क्या करे कोयला जमीन में गाड़े। लव जीवन साथी से सहयोग नहीं मिल पाएगा। लव लाइफ में परेशानियां और टकराव की स्थिति बन सकती है। करियर बिजनेस में नए सौदे हो सकते हैं। रोजगार मिलने के भी योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है। हेल्थ सिर के रोग हो सकते हैं। संभल कर रहे। वृश्चिक राशि के लोगों से मुलाकातें और बातचीत ज्यादा होगी। टेंशन दूर हो सकती है। आप थोड़े हाजिर जवाब रहेंगे। आसानी से लोगों को अपनी राय से सहमत कर लेंगे। कुछ नए मौके मिल सकते हैं। दिन बहुत अच्छा है। बहुत से लोगों का ध्यान आपकी ओर हो सकता है। आप लगभग हर कोशिश में सफल भी हो जाएंगे। अपने दायरे के लोगों में भी आपका सम्मान बढ़ेगा। मेहनत का फल मिल सकता है। आमदनी बढ़ाने के कुछ बहुत अच्छे मौके आज आपको मिल सकते हैं। पैसों के मामलों में आपको व्यावहारिक रहना होगा। किसी बुजुर्ग या बड़े व्यक्ति से बातचीत आपके लिए बहुत कारगर हो सकती है। गोचर कुंडली के पांचवें भाव में चंद्रमा होने से आपकी प्लानिंग भी सक्सेस होने के चांस बन रहे हैं। बिजनेस में फायदा होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी दिन फायदेमंद है। नेगेटिव पैसों के किसी मामले को सुलझाने में समय लग सकता है। पिछले कुछ दिनों से आप खुद को काम के बंधन में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। यह स्थिति आज भी बनी रह सकती है। वाहन का उपयोग सावधानी से करना होगा। किसी भी मामले में ज्यादा जिद करने से बात बिगड़ सकती है। वृश्चिक राशि के लोगों को थोड़ी दौड़ भाग भी करनी पड़ सकती है। क्या करें मेहनत है बादाम पानी में बहाएं। लवलव प्रपोजल भेजना चाहते हैं तो भेज दें। सफलता मिल सकती है। करियर बिजनेस संबंधी कानूनी विवाद निपट जाएंगे। बिजनेस में भी फायदा होगा। ग्लैमर में करियर बनाने वाले स्टूडेंट्स को कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। हेल्थ सेहत के मामलों में लापरवाही ना करें। कोई बड़ा रोग भी हो सकता है। धनु राशि के तरक्की के नए मौके मिल सकते हैं। उनसे जुड़ने और समझने में जरा भी देर ना करें। आप इनका सही उपयोग कर सके तो अपनी वर्तमान स्थिति से कहीं बेहतर स्थिति में पहुंच सकते हैं। संचार के साधन से आपको फायदा मिलेगा। किसी नई तकनीक से भी पैसों का फायदा होगा। रोमांस के लिहाज से दिन अच्छा है। आपके दिमाग में कोई मौलिक विचार भी रहेगा और आप रूटीन से हटकर कुछ नया भी कर सकते हैं। नेगेटिव सावधान रहे। आपने थोड़ा भी आलस्य किया तो हाथ आया मौका निकल सकता है। कोई अनजाना डर भी आपको परेशान कर सकता है। गोचर कुंडली के चौथे भाव का चंद्रमा परेशानियां और रुकावटें पैदा कर सकता है। खर्चे से लेकर मनोरंजन तक किसी चीज में अति करने से बचें। दिन में कई बार आप ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। आपके कामों में अचानक रुकावटें भी आ सकती हैं। कुछ नया ना करें तो ही अच्छा है। पार्टनरशिप के कामों में भी बड़ा फैसला ना लें। क्या करें पैर के पंजे में हल्दी की बिंदी लगाएं। लव जीवन साथी से मदद नहीं मिलने से परेशान रहेंगे। करियर स्थायी संपत्ति खरीदने में जल्दबाजी ना करें। इस राशि के कुछ लोगों को बिजनेस में सफलता मिलने के योग है। स्टूडेंट्स के लिए भी दिन अच्छा है। हेल्थ मौसमी रोग होने की संभावना बन रही है। सावधान रहना होगा।
मकर का जेठ चंद्रमा गोचर कुंडली के तीसरे भाव में रहेगा तो जरूरी और खास काम भी पूरे हो सकते हैं। भाइयों के सहयोग से फायदा होगा, पुराना पैसा मिल सकता है, नए अवसर, लोग, विचार आपके सामने आते जाएं, उन्हें खुले मन से स्वीकार करते जाएं। आज मिलने वाले अवसरों में आगे बढ़ने का मौका भी हो सकता है, जो आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। आपके जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं, कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा फैसला लेने का भी मौका मिल सकता है, पैसों की स्थिति में सुधार लाने के नए मौके मिल सकते हैं, पारिवारिक जीवन या रिश्तों के क्षेत्र में कोई समस्या थी तो वह भी सुलझ सकती है, दोस्तों या प्रेमी के साथ समय बीतेगा, आपके लिए दिन सकारात्मक हो सकता है। नेगेटिव, पुरानी बातों और गलतियों से आप विचलित हो सकते हैं, कोई ना कोई बात आज आपके दिमाग में चलती रहेगी, आपको जल्दबाजी या किसी छोटी सी गलती के कारण चोट भी लगने की संभावना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ मामलों में दोस्तों का साथ नहीं मिले, कुछ कामों से आप संतुष्ट भी नहीं हो पाएंगे, मन में उथल पुथल भी हो सकती है, सावधान रहे, कम बोलना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या करें, हनुमान मंदिर में गुड़ अचने का प्रसाद चढ़ाएं, लव पार्टनर के साथ समय बीतेगा, प्रेम और सहयोग भी मिलेगा, करियर ऑफिस में अधिकारियों से मदद नहीं मिल पाएगी, वाणी पर संयम रखें, विवाद भी हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा नकारात्मक रहेगा, हेल्थ सेहत ठीक ठाक रहेगी, पुराने रोग खत्म होंगे। योजना बनाने और फैसले लेने का दिन है, आप मीठा बोलकर अपने काम पूरे करवा सकते हैं, दोस्त, प्रेमी और रिश्तेदारों के साथ कोई मामला है तो वह सिर्फ आपके फोन करने से ही सुलझ सकता है, आप सिर्फ अपने जरूरी कामों पर ध्यान दें और बाकी काम सामने से हटा दें। कई मामलों में आपकी तारीफ हो सकती है, रिश्तेदारी की कोई पुरानी परेशानी चली आ रही है तो उसे सुलझा सकते हैं, आपको थोड़ा समझौता भी करना पड़ सकता है, आज आप किसी भी समस्या को निपटाने की हिम्मत रखेंगे, नए लोगों से भी कांटेक्ट हो सकता है, करियर के मामले में आपके लिए अच्छा समय है, अपनी सेहत का ध्यान रखें, कार्य क्षेत्र में उन्नति होने के योग बन रहे हैं। नेगेटिव, गुप्त बातें सार्वजनिक भी हो सकती है, कामकाज के लिहाज से दिन उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, दिमागी स्तर पर चुनौतियां मिलती रहेगी, दिमाग में कुछ ऐसे सवाल रहेंगे जिनके जवाब आपको शायद ही मिल पाएंगे, इससे आप थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। क्या करें, रुमाल में इत्र लगाकर अपने पास रखें, लव पार्टनर ज्यादा संवेदनशील भी हो सकता है, सोच समझकर बोलें, प्रेम संबंधों में सकारात्मकता रहेगी, करियर काम ज्यादा होने के कारण आप परेशान भी रहेंगे और आपको इसी में आनंद आएगा, जायदाद संबंधी समस्या निपट जाएगी, स्टूडेंट्स के लिए समय सामान्य रहेगा, हेल्थ सेहत अच्छी रहेगी, थकान भी दूर हो सकती है। मीन पॉजिटिव, पुराने कामों से फायदा होने के योग है, करियर के मामले में कुछ ऐसी बातें आपके सामने आएंगी जिनमें आगे बढ़ने के मौके होंगे, आप जो भी करें आपको सकारात्मक मन से करना होगा, कोई भी बड़ा फैसला करने के पहले अच्छी तरह विचार करना होगा, किसी जानकार व्यक्ति से सलाह करें, समय लगता हो तो लगने दें, कोई व्यक्ति आपसे मदद भी मांग सकता है, लोगों की मदद करेंगे और इसमें आपको आगे बढ़ने के भी मौके मिलेंगे, काफी इसमें अधिकारियों से संबंध अच्छे हो सकते हैं, सुख सुविधा पर खर्चा करने का मन बन सकता है, अपनी सेहत के लिए समय निकालें। नेगेटिव, जोखना चाहेंगे वह बात मन में ही रह सकती है, किसी ना किसी बात को लेकर खुद पर भी संदेह हो सकता है, उलझन रहेगी कि क्या करें और क्या नहीं, फालतू खर्चे भी बढ़ने के योग हैं, संतान के मामलों में परेशानियां रहेंगी, गुस्से पर कंट्रोल रखें और मुंह ना खोलें तो ही अच्छा है, सच झूठ का फैसला करना भी आपके लिए मुश्किल हो सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाएंगे, क्या करें, गणेश मंदिर में गुड़ अथनिया चढ़ाएं, लव जीवन साथी की सेहत की चिंता हो सकती है, पार्टनर भी चिड़चिड़ा हो सकता है, करियर बिजनेस में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ेगी, पदोन्नति के योग बन रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को अच्छा परिणाम मिलेगा, हेल्थ, दर्द, थकान और आलस्य भी रहेगा,